देश भर में नवरात्र यानी दुर्गोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में भी इस पर्व की धूम देखते ही बन रही है। यहाँ श्री कृष्ण टॉकीज परिसर में श्री तुलजाई दुर्गोत्सव मंडल की ओर से स्थापित दुर्गा माता पंडाल में रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है, जिसमे भक्तगण बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ रोजाना शाम को आयोजित होने वाली आरती में परिसर के लोग अपने परिजनों के साथ शामिल होते हैं। मालूम हो कि 7 अक्टूबर को दुर्गा माता की मूर्ति के आगमन के साथ पहले दिन से कार्यक्रमों की झड़ी लगी है। अब तक इस शक्तिपीठ पर गरबा सप्तशती पाठ का पठन के साथ ही अष्टमी पर्व पर परिसर के छोटी बच्चियों ने विभिन्न वेशभूषा धारण कर दुर्गा माता के नव रूपों को साकार किया। इसके अलावा यहां रोजाना आरती के बाद मंडल की ओर से 600 से 700 लोगों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है। गौरतलब है कि आगामी सोमवार को यहां शाम को 7 बजे बड़े पैमाने पर महाप्रसाद का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि श्री तुलजाई मंडल के आयोजकों द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों के पालन का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी के तहत सभी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम संपन्न भी हो रहे हैं। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।